जय हिंद साथियों, मैं जय सिंह आपका अपने चैनल प्रयाग ग्राउंड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो भाई जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई अब आपके एसएससी सीपीओ के फिजिकल की भाई डेट्स लग चुकी है। भाई अब बिल्कुल टाइम बचा ही नहीं है। कल आप सभी को पता ही होगा जैसा कि मेरा 7 तारीख से एसएससी जीडी का फिजिकल स्टार्ट था, तो मैं 10 तारीख तक तो उसी में बिजी था। ठीक है, कल मुझे वहाँ से छुट्टी मिली। ठीक है, और अच्छे से मेरा फिजिकल और मेडिकल डीपी वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया। ठीक है, तो कल मैं वहाँ से आया हूँ। भाई जैसे मैं आया वैसे मैंने देखी भाई अपनी क्या कहते हैं मेरी मैंने पीटी और पीएसटी की डेट देखी भाई, तो मेरा भी जलपाईगुड़ी चला गया यार। और फिर मैंने भाई सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जलपाईगुड़ी का क्या है, कैसा है सिस्टम है, कैसा क्या ट्रैक है, कैसा रनिंग होती है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पे ले जाने हैं, वहाँ उसी के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भाई आप लोग के भी अगर फिजिकल अगर वहाँ पे भाई जिनका भी एसएससी सीपीएसआई का भाई फिजिकल है जलपाईगुड़ी में, तो भाई इस वीडियो में आपके लिए पूरी फुल डिटेल जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो जलपाईगुड़ी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और अगर भाई किसी का सेंटर भाई जलपाईगुड़ी गया है तो लगभग मुझे लगता है भाई मेरे पहचान में अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला है जिसका जलपाईगुड़ी में ना गया हो। ठीक है, मतलब मेरे पहचान लगभग 15 से 20 लड़के हैं जो सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि मेरे अच्छे खास पहचान में है, जो कि भाई लगभग उसमें से भाई 14-15 लोग उसमें फेंक गया। अरे एक लड़के का सिर्फ लखनऊ सेंटर गया है। ठीक है, तो भाई ये बात मान के चलो कि कम से कम आपका क्या कहते हैं इतना लोग का भाई पीटी पीएसटी सेंटर आपका जलपाईगुड़ी गया। ठीक है, तो मेरा भी जलपाईगुड़ी गया है। अब उसमें भाई डाउट आता है, डिटेल आता है, मतलब ये आती है हम कैसे जाएं कैसे ना। तो भाई अगर जो भी इलाहाबाद में है या कहीं भी है तो आप लोग वहाँ से ट्रेन सर्च कीजिए कि आपकी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। भाई जैसे यहाँ से ट्रेनें जाती है भाई, मैंने सर्च किया टिकट तो मिल नहीं रही है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है, तो भाई कैसे भी करके एडजस्ट करके भाई कहाँ में जाना है। ठीक है, पहुँचना है, कोशिश ये करिए भैया कि एक दिन पहले पहुँच जाए। जैसे कि मेरा है 14 तारीख को है, तो मैं यहाँ से कल ही निकलने वाला हूँ। मैं 12 को यहाँ से निकलने वाला हूँ ताकि मैं 13 को वहाँ सुबह पहुँच जाऊँ। तो मैं मान लो मैं थकावट लगी रहेगी रास्ते की, तो मैं 13 पूरा दिन आराम कर लूँगा, तो भाई वो मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, वो कवर हो जाएगी, तभी भाई मैं 14 को दौड़ पाऊँगा, क्योंकि भाई आसान नहीं होता फिजिकल यार। अब जो कर रहा है वही जान पाएगा। ठीक है, और अभी 3 दिन के पहले भी थकावट लगी है, उसको भी थोड़ा सा डिहाइड्रेट करना है, तो एक दिन पहले जाने की कोशिश करें। ठीक है आप लोग, और वहाँ पे भाई रुकने की रहने की व्यवस्था भाई मैं आपको बता दूँ, जब वहाँ पे आप जलपाईगुड़ी पहुँचेंगे तो वहाँ पे 2 स्टेशन है, एक न्यू जलपाईगुड़ी और एक है जलपाईगुड़ी रोड। जलपाईगुड़ी रोड जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से पहले मतलब बाद में है, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आपका पहले पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग भाई जहाँ भी उतरना चाहे न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी उतर सकते हो, जलपाईगुड़ी रोड भी उतर सकते हो। वहाँ से एक गलती मत करिएगा, वहाँ पे क्या है, और जब आप उतरोगे तो ऑटो वाले जो होते हैं भाई तुरंत वहाँ पे बिठाएंगे आपको, तो भाई ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, 150-200। आप वहाँ से एक काम करिए, वहाँ से पूछिए कि यहाँ से भैया रोड कहाँ है, रोड पर आप जाइए, वहाँ से भैया बस लीजिए, बस आपको 10 से 20 रुपये पहुँचा देगी। वहाँ से आपका स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से आपका भाई फिजिकल सेंटर भाई बीएसएफ कैंप जो राधा बारी सेंटर है वो वहाँ से 7-8 किलोमीटर है। वहाँ से 2 से 3 सेंटर है भाई, एक बीएसएफ कैंप है, एक सीआरपीएफ कैंप है। तो बीएसएफ 15 बटालियन बीएसएफ राधा बारी और क्या कहते हैं भुक्ति दंग पारा क्या कहते हैं जो आपका एड्रेस है सीआरपीएफ कैंप है बीएसएफ कैंप है वो आपका वहाँ से 7 से 8 किलोमीटर है। तो आप लोग वहाँ जाने के लिए भैया यहाँ से रोड से भाई बस से जाइए। ठीक है, जैसा भी वहाँ पे जरूर पहुँचिए, और एक दिन पहले पहुँच के भैया वहाँ पे आसपास गांव में एक वहाँ पे कोई विशेष मतलब होटल या गेस्ट हाउस की तरह नहीं है, वहाँ पे गांव में ही कोई रूम वगैरह मिल जाएंगे, आप वहाँ पे रुकिए, खाना पीने की व्यवस्था थोड़ा वहाँ पे एक पेट्रोल पंप वहाँ पे खा लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पे भाई आराम से पूरा दिन आराम करिए। ठीक है, वहाँ जाके कोई स्प्रिंट मत मारने लग रहा भाई, सुबह जाके 16 मीटर की आराम करिए, बॉडी को रिलैक्स करिए। ठीक है, सुबह बस हाँ हल्की सी एक्सरसाइज करना है। ठीक है, फिर सेंटर पहुँच जाना भाई, फिर जलवा दिखाना अपना। ठीक है, अब बात करेंगे भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स भी आपको ले जाने भैया, सबसे मेन आपका होता है एडमिट कार्ड ले जाना है। ठीक है, पहले तो होता है आपका एडमिट कार्ड ले जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है आपका अपना आधार कार्ड ले जाना है, मस्ट है। ठीक है, आपको अपनी फ़ोटोज़ लेके जानी है। ठीक है, फोटोज 5-6 फोटोज रख लीजिएगा। ठीक है, 4 से 5 फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे फोटोज लेके जानी है। उसके बाद हम बात करें भाई और क्या ले जाना है, तो उसके बाद आप ना मार्कशीट भी ले जा सकते हो, क्योंकि पिछली बार मैं लेके गया था तो कहीं जरूरत तो नहीं पड़ी थी, लेकिन सपोज दैट भाई जरूरत पड़ी गई, मान लीजिए आपकी आपके क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स में कहीं गड़बड़ी है, तो भाई मार्कशीट से ही मैच किया जाता है, तो कम से कम भाई वहाँ खो नहीं जाएगा, कुछ परेशान मत हो। ठीक है, अच्छे से जाओ, कुछ होगा नहीं, परेशान मत हो। आपका मेडिकल डीपी भी होगा तभी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कम से कम ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कोई छीन लेगा।
वहाँ ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी होगा कम से कम कन्फर्म रहेगा कि मान लीजिए वहाँ मार्कशीट की वजह से आपने आपका मान लीजिए एंट्री ना होने पाए तो तब भी दिक्कत है ना। तो ये जाइए, लेके मांगेगा नहीं लेकिन लेके चले जाइए ज़रूर, मैं खुद ले जाऊँगा ठीक है। और बात करें भाई की और हमारी रनिंग क्या होनी, भाई आपको पता ही होगा कि वहाँ पे मतलब फिजिकल कैसा होना है, तो आपको पता होगा कि 1600 मीटर की भाई रनिंग होती है ठीक है 6:30 मिनट में। और हाँ सबसे मेन बात आपको आपके लिए भाई बता दें, जलपाईगुड़ी का क्या कहते हैं तो जो न्यू जलपाईगुड़ी में है ये भाई BSF कैंप है, वहाँ पे ट्रैक कितने मीटर का है, ट्रैक भाई सबके मन में है यही भैया ट्रैक किस पे रोड पे दौड़ाएंगे या फिर ग्राउंड पे दौड़ाएंगे, तो इसके बाद मैं बता रहा हूँ मैं आपको भाई वहाँ पे ग्राउंड नहीं, वहाँ उनके पास ट्रैक है ठीक है, ट्रैक जो है 1700 मीटर का ट्रैक उनका, एक ही राउंड है जो 1700 मीटर का है, मतलब समझ रहे हो यार थोड़ा सा ये अटपटा साहिब का है भाई, मैं खुद ही का भी आज तक 1700 मीटर ट्रैक पे रनिंग नहीं किया हूँ, 1700 मीटर का ट्रैक है मतलब उसमें थोड़ा सा पहले ही वो लोग ख़त्म करवा देंगे ठीक है 1600 मीटर पे, तो पूरा वो कवर करना पड़ेगा ठीक है 1600 मीटर, तो भाई उसमें कोई चारा ऑप्शन है नहीं, तो ठीक है हमें करना तो पड़ेगा ही यार, तो लड़कों के साथ रहोगे भाई, हाँ घड़ी अपनी जरूर बांध लीजिएगा ठीक है, और घड़ी में टाइम देखते रहिएगा भाई 6:30 मिनट के अंदर लाना है, तो लगभग कोशिश करिएगा कि 6 के आसपास आ जाए तभी आप 6:30 मिनट में आएंगे 6:30 मिनट में आएंगे, क्योंकि 1 सेकंड भी भाई वहाँ पे छूट नहीं देते, पिछली बार मेरे साथ का एक लड़का था भाई जो 6:31 पे आया था उसको छूट नहीं दिया था भाई, रोते रोते भाई पाँव पकड़ लिया था लेकिन तब भी कोई यार सुनवाई नहीं होती भाई वहाँ पे यार, समझ रहे हो यार, क्योंकि भाई डिसिप्लिन भाई मस्ट होता है भाई, एक ही सेकंड भाई किसी भी चीज़ को नुकसान या सही कर सकता है भाई, तो इसलिए भाई वो लोग छूट नहीं देते भाई, कोई रियायत नहीं करते यार, इसलिए आप लोग भाई परेशान मत होइए ठीक है, जैसा भी आपका सिस्टम है जैसा भी आपकी भाई रनिंग चल रही है आप वहाँ पे कंटिन्यू करिएगा ठीक है। वहाँ पे एक बात सुनिए, जान लगा दीजिए या तो जाने दीजिए, दो में से एक ही चीज़ है, तो भाई जाने तो नहीं देंगे ठीक है, जान ही लगाना है वहाँ पे जबरदस्त एकदम खूद जान लगा देना ठीक है, लास्ट राउंड जब आपको दिखने लगे आपको ना कि वहाँ पे वहाँ तक पहुँच जाना भाई, तो फिर एकदम दबा के एकदम तक 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 इंजन चलना चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसे भाई हमें रनिंग करनी है ठीक है, तो आप लोग भाई अच्छे से रनिंग करिए ठीक है, जिनका भी है आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में, और किसी का कोई भी डाउट हो भैया कैसे जाना है कैसे नहीं, तो भैया सबसे पहले तो मेरा ही है, मैं जाऊंगा जलपाईगुड़ी में आके रिव्यू जरूर दूंगा आपको ठीक है, तो भाई मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई को जय हिंद जय भारत।